जी, हमारा प्यारा डीएचए, डीएचए बहावलपुर, बड़ी तेजी से इन्होंने काम यहाँ पर किया और जनाब बड़ी तेजी के साथ जो है ना डेवलप हुआ यहाँ पर। जो इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज आई है जो बड़ी खूबसूरत भी है वो ये है कि यहाँ पर इन्होंने लगाया वो जो बुर्ज खलीफा के साथ नहीं लगे होते ये डांसिंग फाउंटेन्स, पानी क्या जो है ना वो फाउंटेन्स हैं जी, वो यहाँ पर रात को 8 बजे सैटरडे संडे जो है शो होता है। आज वैसे आज़ादी का दिन है तो आज पूरा भावलपुरी जो है ना डीएचए में है इस टाइम, ये देख लें ठीक है। और डीएचए वैसे है, हम भी बड़े अरसे के बाद आए हैं, ये पहले अंडर डेवलप था, अब जो है ये कंप्लीट डेवलप हो गया, तकरीबन यहाँ पर रेजिडेंस स्टार्ट हो चुकी है और बड़ा खूबसूरत इन्होंने जो है यहाँ पर जिसे कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट जो है लोगों की जिन्होंने भी मतलब की थी उनके तो मौजे लग गई है ना भाई। ये चेक करें जी नज़ारे, बत्तियाँ ही बत्तियाँ, फुल खुले रोड, फुल बैरियर टाउन की तर्ज पे और मतलब इंटरनेशनल लेवल की तर्ज पे जो है इन्होंने डीएचए को डेवलप किया है। लाइटिंग है बेहतरीन। आज जो हुआ है, आज गेम ये हुई है कि जो है ना सारी दुनिया को रोक रहे हैं बाहर, क्योंकि डीएचए अब यहाँ पर जाहिर है स्टार्ट हो चुका है, रिहायशी एरिया जो है ना यहाँ पर डेवलप हो चुके हैं, तो उन्होंने जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज रखी है वो है हेलमेट के बगैर जी अंदर एंट्री नहीं है, हेलमेट मस्ट है। अब हमारे पास कुदरती बात थी कि हेलमेट था तो हम बच गए, बाकी जिनके पास नहीं था वो जो पीछे स्टार्ट में वीडियो के जो आए हैं लोग जो वापस की तरफ उनको भेज रहे थे, तो इसलिए भाई आज के बाद जब भी आप लोग डीएचए में आए तो आपके पास हेलमेट होना लाजिम है, लाजिम और मलजूम समझ लें इसको कि ये जो है ना 100% जो है वो जरूरी है आपके लिए, हेलमेट मस्ट। ये भी साइट्स जो है ये डेवलप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, इसमें सारा निज़ाम जो है वो ओके हो रहा है, ये चेक करें। पार्क इन्होंने जो डीएचए का फैमिली पार्क दिया है वो जरा उस तरफ करके है, बाकी ये सामने इन्होंने लाइटिंग शाइटिंग का निज़ाम किया हुआ है बेहतरीन खूबसूरत, ठीक है। ये सामने पहाड़ नहीं है, ये बदल है और शाम का टाइम है, आप लोग ये ना समझना कि यहाँ पर पहाड़ है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है हमारे साथ आज जिन्होंने हमें जो ज्वाइन किया स्पेशली वो किया हमें जनाब शाहिद भाई ने, शाहिद भाई भी जनाब 4 घंटे पहले के यहाँ पहुँचे हुए थे। शाहिद भाई क्या हाल है, शाहिद भाई ठीक हो, डॉक्टर साहब उनके साथ हैं, डॉक्टर साहब जनाब ठीक हैं आप, चलें माशाल्लाह। हमारी आवाम जो है वो इंजॉय करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, ठीक है भाई, यही वजह है कि हम लोग भी नहीं छोड़ते, जब आवाम नहीं छोड़ती तो हम भी तो आवाम ही है ना, कुल्लू पाकिस्तानी है हम सब, ठीक है। उमर भाई भी जो है हमारे साथ हर मुश्किल वक्त में, हेलमेट ने बचाया कि नहीं बचाया, आज हेलमेट ने जो है हमें बचा लिया, वरना हमारे आज जो है ना ये कुदरती बात है, ये लोग पहले आए हुए थे तो इन्होंने हमें बता दिया कि भाई हेलमेट लाजमी लेके आना, वरना हम तो ऐसे ही निकलते ऐसे ही आ जाते, लेकिन जो है ना ये बेहतर हो गया, इसलिए कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है, ठीक है, इसलिए जो है ना बड़े कहते हैं कि यार आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ चला करो, कोऑर्डिनेशन जो है वो एक अच्छी चीज है भाई। खैर है यार, चलो यार चले, हम जब आए हुए हैं चले घूमने निकलते हैं यार, हेलमेट हाथ में अच्छा हो गया। खैर है, लाल लाल हुआ पड़ा है, लाल है जेड़ा कट्टो लाल है। चले ये भाई को तो हम भूल गए हैं, कैसे हैं आप? यार ये हमारे लाडले भाई हैं, इतने अरसे बाद इनको आज कैसे खींच लाए हो आप? भाई की 50 साल उम्र है भाई, तो सारे जलील ही कितने यो आधे पे जिलो भावलपुर तो कुछ ऐसा जो एंजॉय करवावा, यो बंदा ने जमीन नहीं बदल दी 50 साल उम्र है, बेच की थी दे बजा पूछे से भी क्यों जिलो दिलो से उठा के कोई माहौल प्लेस को एंटरटेनमेंट करे सो ते गम सो पेट सो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, नहीं नहीं सो के सो के सो। जैसे आने के लिए घूम फिरना पड़ता है, काला ठू ले आगे निकले सच्ची दस बेदर्दा की मैं याद की तई, बस अब तुझे पूरा सुनाऊं मैं, पूरा सुना ना यार अब, शाबाश
कैमरे की आंख देख रही है आपको ये सब करते हुए। भाई रख दे बस, संभल गया वो, कहीं भी नहीं जाता। ये देखो क्या किया, कहीं भी नहीं जाता यहाँ से। कल की वीडियो में यही बाजा है जिसकी वजह से सारी दुनिया, आज मुझे सुबह सारा दिन इस बाजे ने सोने नहीं दिया। गली में बच्चों ने जो शोर मचाया, और मैंने आज स्पेशल इसके ऊपर स्टेटस भी लगाया कि भाई ये हमारी आजादी है और ये हमारी आजादी है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। कमाल कारीगरी है इन भाई की। भजन पाकिस्तानियों को मौका मिले तो वो चांद पे भी जा सकते हैं, ठीक है। ये बत्तियों वाला शायद आप देख लें, शायद में से बत्तियां उजागर होती हैं। चिमकी है, चिमकी चिमकी, ऐसे कहते हैं चिमकी लाइट। सही बात है। ओ जी अब शुरू होने वाला है, उसका टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद अब हम उधर ही जा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत इन्होंने यहाँ पर पार्क दिया हुआ है, पार्क में भी एंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह जो है डांसिंग फाउंटेन्स आपको दिखाते हैं और हम भी एंजॉय करेंगे, आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा इंशाल्लाह। जो है ना डांसिंग फाउंटेन्स का जो व्यू है वो बड़ा कमाल है यहाँ पर। ये जी DHA की रेजिडेंस भी स्टार्ट हो चुकी है, ये चेक करें, ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है DHA का। और माशाल्लाह यहाँ जो लोग रह रहे हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद रिस्क दे, पैसा दे, अल्लाह ताला हमें भी इस लेवल पे माल और रिस्क दे, फरहमी रिस्क की हो कि हम लोग भी यहाँ पर आके रह सकें। गरीब बंदे का इधर काम नहीं है भाई। माशाल्लाह ये चेक करें जी, मस्जिद का गरीब से व्यू बहुत खूबसूरत, मुझे तो यकीन करें कि बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, माइंड ब्लोइंग यार। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद इन्होंने यहाँ पर, इंशाल्लाह यहाँ पर कभी नमाज पढ़ने आएंगे हम। इसी के साथ ही यार डिजिटल डायरीज को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये चेक करें जी, ये भी रेजिडेंशियल एरिया है, लोगों ने रिहाइश रख लिया, यहाँ पर आ गए हैं लोग। अब हम जा रहे हैं जी पार्क की साइड पे, जहाँ पर मेन जो है वो शो होना है डांसिंग फाउंटेन्स वाला। चेक करें, बेहतरीन दुबई वाले माहौल दे दिए इन्होंने भावलपुर में। सिटी ऑफ नवाब तो यहाँ आगे लगता है सही मानों में, सिटी ऑफ नवाब। सिटी भी अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत है, लेकिन DHA भी इन्होंने जो है ना बहुत खूबसूरत बनाया, काफी बड़े एरिए पर है। फाइनली जी डांसिंग फाउंटेन्स शुरू हो गई है और बड़ा खूबसूरत नजारा है, चेक करें जी। आगे आ जाओ थोड़ा सा, we'll be right back.
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।